हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं श्रवण। स्वागत है आपका एसके एडिटिंग में। फ्रेंड्स, आज के ट्यूटोरियल में हम लोग सीखने वाला है ग्रेडियंट टूल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपका ग्रेडियंट टूल है, ठीक है। जैसे ही मैं जी का जो बटन है उसको प्रेस करता हूँ, मान लें कहीं दूसरी जगह चेंज कर रखा है, जी का बटन प्रेस करूँगा तो आपका ग्रेडियंट टूल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे हम ग्रेडियंट टूल काम कैसे करता है, ठीक है। ये है क्लिक टू एडिट ग्रेडियंट, मतलब ग्रेडियंट को एडिट कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। पर एडिट करने से पहले हम नॉर्मली ग्रेडियंट को समझेंगे, ग्रेडियंट काम कैसे करता है, ठीक है। फिर एडिट करना सीखेंगे कि नया ग्रेडियंट बनता कैसे है। देखिए, ये वाला मैंने एक ब्लैक एंड वाइट का एक ग्रेडियंट लिया बेसिक सा, इसको हम चला के देखेंगे। मान लीजिए मैं एक वाइट कलर को फिल कर देता हूँ, ये देखिए। अब देखिए ग्रेडियंट यहाँ पर से यहाँ तक चलाता हूँ मैं इसको, किस तरह से चल रहा है, इधर ज़्यादा ब्लैक है, इधर वाइट है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आपका ग्रेडियंट है, इस ग्रेडियंट पे जो ऑप्शन है लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ पर जो ऑप्शंस है वो देखिए, उन ऑप्शंस को हम चेंज करके देखेंगे कैसे काम करते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाला है लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। इसके बाद में देखिए दूसरे वाले पे जब मैं क्लिक करता हूँ, ये है आपका रेडियल ग्रेडियंट। देखो रेडियल ग्रेडियंट को हम बीच से ड्रॉ करेंगे, देखो किस टाइप से ग्रेडियंट फील हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में अगला जो ग्रेडियंट है आपका, वो देखिए एंगल ग्रेडियंट, ठीक है। एंगल ग्रेडियंट को यहाँ से बीच से ही मैं फील करता हूँ, देखिए एक एंगल में फील होगा। देखो अगला जो ऑप्शन देखिए आप, यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्लेक्टेड ग्रेडियंट। देखिए ये ग्रेडियंट काम कैसे करता है, ठीक है। मतलब जहाँ पर बीच में जो क्लिक करता हूँ, बीच की जो पोर्शन रहेगा वो आपका ब्लैक रहेगा और दोनों साइड में वाइट, जिस भी कलर में ग्रेडियंट हो, यहाँ पर जो कलर रहेगा ग्रेडियंट का वो अलग कलर रहेगा, यहाँ पर अलग कलर रहेगा, ठीक है। और अगला जो ग्रेडियंट है आपका ऑप्शन है, सॉरी, डायमंड ग्रेडियंट, ठीक है। ये एक किस तरह से फील होता है, बिल्कुल ये डायमंड की तरह फील होता, देखिए, ठीक है। ये तो आपको बेसिक समझ में आ गया होगा कि ग्रेडियंट काम कैसे करता है, ठीक। अब देखते हैं हम कि ग्रेडियंट की सेटिंग्स कैसे होती हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर ये जो प्रीसेट हैं, ये ऑलरेडी फोटोशॉप में आते हैं दोस्तों, तो आप यहाँ से कोई भी एक प्रीसेट या ग्रेडियंट फिल कर सकते हैं। मैं कोई भी एक ग्रेडियंट ले लेता हूँ, मान लीजिए ये ग्रेडियंट लिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको ओके कर देता हूँ, तो ये फर्स्ट वाले पर अगर क्लिक है तो फर्स्ट वाला मैंने बताया कि इस टाइप से काम करेगा। देखो दो कलर है, फर्स्ट वाला जो कलर है वो यहाँ पर फिल हो रहा है और दूसरा वाला कलर यहाँ पर फिल हो रहा है। अब देखिए इसमें हम इसको एडिट करेंगे, ठीक है, ग्रेडियंट को। देखो यहाँ पर है सॉलिड टाइप, ग्रेडियंट टाइप। ग्रेडियंट कौन से टाइप का चाहिए आपको, नॉइज़ वाला चाहिए या सॉलिड कलर में चाहिए, ठीक है। सॉलिड कलर में चाहिए तो आप यहाँ सॉलिड रख लें। स्मूथनेस कितनी चाहिए वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन है, ये देखिए कैसे काम कर रहा है। यहाँ पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा नीचे वाले पे, ऊपर वाला जो है आपका ओपेसिटी के साथ काम करेगा, ठीक। लोकेशन मतलब कहाँ तक उसको रखना है कलर को, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैं नया ग्रेडियंट तैयार कर लेता हूँ कोई भी, इस टाइप का मेरे को जो बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग ग्रेडियंट चाहिए तो वो ग्रेडियंट मैं ले लेता हूँ। ये बिल्कुल लाइट ले लेता हूँ मैं शुरू में, ठीक है। इसके बाद में एंड वाला जो अपना है उसको हम थोड़ा डार्क ले लेते हैं, ठीक है, ये और डार्क ले लेते हैं। बीच में जो है, अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंटर बना हुआ है इसकी लोकेशन कहाँ तक रहेगी, कहाँ तक मतलब कि लाइट कलर फील होगा और कहाँ तक डार्क कलर होगा, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर ऊपर क्लिक करता हूँ तो देखिए ये होगी इसकी ओपेसिटी। आप देखिए यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर रख देता हूँ पॉइंटर और इसकी ओपेसिटी को मैं फिर कम कर देता हूँ, देखिए किस तरह से काम करेगा। सॉरी, देखो ठीक है, अब इसको चला के देखते हैं। देखिए देखो ओपेसिटी यहाँ पर बीच में जो ओपेसिटी है उसकी कम आ रही है, यहाँ पर फुल कलर आ रहा है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरह से वो दिख रहा है ना। देखो जैसे मैं इसको ले जा रहा हूँ, उस कलर की बिल्कुल ओपेसिटी
कम हो रही है। देखो इसको मैं ओपेसिटी को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को कर देता हूँ कम, ठीक है। इसके बाद में एक और यहाँ के बाद में इसके पास में जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर ये आ जाएगा, फिर से एक अलग डिवाइस में वो हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। फिर एक बार और पास में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देखिए इसकी ओपेसिटी मैं कम कर देता हूँ। जहाँ जहाँ मैंने पॉइंटर लगाया वहाँ वहाँ पर ओपेसिटी कम हो रही, देखिए, ठीक है। इस तरह से मैंने एक नॉर्मल सा ग्रेडियंट तैयार कर दिया दोस्तों, ठीक है, जिसमें बीच में ओपेसिटी कम है और यहाँ पर कलरफिल है। देखो इसकी इसकी जो वैल्यू है उसको भी हम बढ़ा सकते हैं यहाँ से, देखिए, ठीक है, ये नॉर्मल सा एक हमने तैयार कर लिया। तो देखिए यहाँ पर वो ग्रेडियंट आ जाएगा दोस्तों। मान लीजिए कलर पे फिल करके देखूँगा तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो जिस टाइप से जहाँ पर मैंने ओपेसिटी कम रखी थी वहाँ पर ओपेसिटी कम आई है, ठीक है, वाइट कलर दिख रहा है। इस तरह से आप अलग अलग ग्रेडियंट्स बना सकते हैं दोस्तों, ठीक है। एक नॉइस वाले पे रखते हैं, नॉइस वाला देखिए, राउंडनेस आपको कितनी चाहिए, ठीक है, ये राउंडनेस 50 के अराउंड मेरे को करना है सेट, ठीक है। यहाँ पर देखो एक चीज़ में डायरेक्ट एक बार पहले इसको देखते हैं इस तरह से काम कर, देखो इस टाइप से कर रहा है। अब इसमें मैं ऐड द ट्रांसपेरेंट, ऐड ट्रांसपेरेंसी, देखो ऐड ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करता हूँ किस तरह से काम। जैसे ही जूम करके देखेंगे ट्रांसपेरेंट दिखने लग जाएगा ये, देखो देखिए ट्रांसपेरेंट में ये इमेज आपकी थोड़ी थोड़ी दिख रही है उसमें, ठीक है। अगर ट्रांसपेरेंसी को बंद कर देता हूँ मैं और फिर देखता हूँ, देखो अभी बिल्कुल भी इमेज आपकी पीछे वाली बिल्कुल भी नहीं दिख रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शंस है, और यहाँ पर अगर आप दोनों को चेक करते हैं, इसको हटा देते हैं और इसको कर देते हैं आप सॉलिड नॉइस और इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है, कोई भी अलग कलर ले लें, देखिए, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर चेंज कर लेते हैं नॉइस, और ट्रांसपेरेंसी को अभी नहीं रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर नया ग्रेडियंट तैयार होता रहेगा। देखो जैसे मैं रेंडमाइज पे क्लिक करता हूँ अलग अलग ग्रेडियंट्स तैयार होंगे, देखो ये अलग ग्रेडियंट तैयार हो गया, ठीक है। अब अगर मेरे को ये लाइनिंग भी नहीं चाहिए तो इसको भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ और इसको कर देता हूँ कम कर देता हूँ, ठीक है, राउंडनेस को, और ओके करता हूँ। अब देखिए किस तरह से चल रहा है, ठीक है, ग्रेडियंट बन गया। अब देखिए यहाँ पर मैं एक न्यू लेयर ले लेता हूँ, ब्लैंक लेयर, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए हमें इस कलर के अकॉर्डिंग एक बनानी है ना, ग्रेडियंट बनाना है। देखो लाइट कलर है तो यहाँ पर ये लाइट कलर हो गया। इसके बाद में ये वाला जो पॉइंटर है इसको हम थोड़ा डार्क कलर लेंगे, ठीक है, इस वाले पॉइंटर पे थोड़ा सा हल्का लाइट, ठीक है। अब इसको यहाँ से मैं थोड़ा चेंज कर देता हूँ, देखिए ये चेंज कर दिया, इसको भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा इसको भी लाइट कर डार्क कर देते हैं, और इसको हम कर देते हैं लाइट, ठीक है, ये देखिए लाइट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इधर यहाँ तक खिसकाता हूँ, देखो जैसे ही इसको आगे ले जा रहा हूँ मतलब कहाँ तक कौन सा कलर रहेगा वो यहाँ पर शो करेगा, कलर स्टॉप, कहाँ तक कलर स्टॉप है। जैसे मैंने ये पॉइंटर यहाँ तक ले गया हूँ तो वहाँ पर आके स्टॉप होगा वो कलर, और उसके बाद में ओपेसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ तक इसको रख लेता हूँ, देखिए ओके कर देता हूँ, या फिर मैं इसको न्यू कर देता हूँ। देखिए न्यू करते से ये यहाँ पर एक नया बन जाएगा आपके, ठीक है, नया जो है आपका ग्रेडियंट तैयार हो जाएगा बन के, ओके कर देते हैं। देखो अब मैं इसको यहाँ पर फिल करता हूँ, इस तरह से फिल कर दिया। अब इसके ब्लाइंडिंग मोड को देखो, चेंज करके देखेंगे आपको एक अलग ही, ये देखिए इस तरह से आप ब्लाइंडिंग मोड को चेंज करके देख सकते हैं। देखिए ये एक बिल्कुल नाइट का इफेक्ट आ गया, इसमें हम फील और ओपेसिटी को कम करके देखें, देखो ये फील को मैंने कम कर दिया, देखो कितना मतलब एक बिल्कुल नाइट का इफेक्ट आपका तैयार हो गया, देखिए, ठीक है।
इस तरह से आप अलग अलग प्री वेडिंग्स में यूज़ कर सकते हैं। देखिए जिस भी तरह का ग्रेडियंट हम लेना चाहते हैं, देखो डिजोल्व लिया तो इस टाइप का आ गया, देखो डार्कन, अलग अलग आप इनका यूज़ कर सकते हैं। देखो ये इसको यूज़ कर सकते हैं, देखो जिस टाइप का आपको अच्छा लगे उस तरह से आप सेट करके देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। अब देखिए ग्रेडियंट यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं, कहाँ कहाँ ऑप्शन आ रही है वो भी हम इसमें देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भी ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। ये देखिए जो ग्रेडियंट एक बार फिर देख से सॉरी यहाँ पर देखते हैं, अरे सॉरी सर, यहाँ पर देखते हैं ये पी एक ग्रेडियंट का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर देखिए किस टाइप से आपको रेडियल में चाहिए, एंगल में चाहिए, मान लीजिए एंगल में चाहिए मेरे को, अब मेरे को इसको यहाँ सेट करना, यहाँ पर सेट करना मान लीजिए, ठीक है। और इसके एंगल को किस टाइप से आना चाहिए, लाइट किस टाइप से आनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए जिस भी टाइप में आने चाहिए वो हम सेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया इसको, और यहाँ से अलग टाइप का मैं ग्रेडियंट ले लेता हूँ, ठीक है। जिस टाइप का ऑप्शन मैंने बता दिया आपको, रिफ्लेक्शन मान लो रेडियल, इस टाइप का ले लिया, ठीक है। इसकी स्केल को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। देखो स्केल को मैं बढ़ाता हूँ तो किस तरह से हो जाएगा। देखो स्केल मतलब क्या होता है कि जहाँ तक आपने ये कलर को फील करना है, जहाँ तक इस कलर को आपको बढ़ाना है वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है। दोनों कलर में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से कर दिया ओके। अब देखिए इसके ब्लाइंडिंग मोड को हम चेंज करके देखते हैं, देखो ठीक है। इस टाइप से एक इफेक्ट टाइप का आ रहा है, देखो जहाँ पर हमने वो ग्रेडियंट लगाया था उस टाइप से देखिए। यह भी बहुत बेकार दिख रहा है, बट इसकी जब हम फिल को जैसे ओपेसिटी को कम करते हैं, देखो एक अलग ही टाइप का आपको लगेगा। तो आप इसको सेट करके देख सकते हैं दोस्तों। तो ग्रेडियंट का जो टूल है बहुत ही अच्छा टूल है, आप प्रीवेडिंग में यूज़ कर सकते हैं, आप इफेक्ट्स बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हम प्रीवेडिंग का जो सेशन आएगा उसमें हम इसको सीखने वाला। अगला जो पेंट बकेट टूल है वो क्वेश्चन सिंपल है, उसमें कोई भी कलर फिल करने के लिए यूज़ में आता है। ये देखिए किसी एक स्पेसिफिक एक कलर में कोई कलर फिल करना हो तो आप यहाँ से फिल कर सकते हैं इसके थ्रू। यहाँ पर जो भी कलर आपका सेलेक्ट रहेगा वो आप इसमें फिल कर पाएंगे दोस्तों। देखिए तो आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर कीप वॉचिंग।